जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निवेश करने के एक ऐसे तरीके के बारे में जिसका नाम आप में से ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। दोस्तों उस तरीके का नाम है म्यूचुअल फंड। दोस्तों अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप निवेश की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। दोस्तों ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को समझेंगे, अच्छे से जानेंगे कि आखिर ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या फिर इससे आपको नुकसान हो सकता है। इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जान। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में अगर आप भारत में रहते हैं तो म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि कुछ इन्वेस्टर्स के जो पैसे होते हैं, कई ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो जानकारी नहीं रखते हैं निवेश करने की, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपना पैसा निवेश करें कहीं पर और उनको अच्छे रिटर्न्स मिलें। तो ऐसे लोगों के लिए ये म्यूचुअल फंड जो है ये परफेक्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का। इसमें होता क्या है कि कुछ इन्वेस्टर्स के पैसे को लिया जाता है, यानी कि मान के चलिए 10 लोग हैं जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पैसे का निवेश करना चाहते हैं। ऐसे 10-5 लोगों को या 10-20 लोगों के पैसे को लिया जाता है, उस पैसे को लेकर एक फंड बनाया जाता है। जब 10 लोगों के पैसे को आप इकट्ठा करेंगे तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है कि मान के चलिए 10 लोग हैं और 10 लोगों ने 1-1 लाख रुपया अपना इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिया तो ये टोटल जो फंड हो जाएगा वो हो जाएगा 10 लाख रुपए का। अब ये जो 10 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, ये जो फंड इकट्ठा हुआ है इसको एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी जानकारी रखता हो, यानी कि उसको पता हो कि जिस समय में वो पैसा इकट्ठा किया गया है उस समय में कहाँ पर निवेश करना सही रहेगा, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फिर चाहे वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करना हो, उसको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए जहाँ से वो अच्छे से अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर ले सके। तो ऐसे में उस फंड को लिया जाता है या फिर किसी व्यक्ति को दिया जाएगा या फिर किसी कंपनी को, तो उस व्यक्ति को आप कहते हैं एक तरीके से फंड मैनेजर या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर। ऐसे में जब वो फंड उस व्यक्ति को या उस कंपनी को दे दिया जाता है फिर वो उस पैसे को जहां उसने स्टडी करी है, जहां उसने जानकारी ली है उस हिसाब से उसको वो इन्वेस्ट करेगा अलग अलग जगहों पर। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर जितना पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको कभी भी एक प्लेस पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा होता है, जो फंड होता है, उसको जगह जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि अगर कोई एक प्लेस से आपको रिटर्न ना मिले या फिर रिस्क के कारण वो पैसा डूब जाए तो वहां पर दूसरी जगहों से आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ऐसे में उस पैसे को जगह जगहों पर, अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है और जो भी रिटर्न्स उस पैसे से आते हैं उन रिटर्नों को फिर आप जो जिन लोगों ने पैसा दिया था, जिन निवेशकों ने पैसा दिया था उन लोगों को फिर उसको वापस कर दिया जाता है उनके रिटर्न के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए करते हैं। आप अगर ज़्यादा समय के लिए करते हैं तो इसमें आपको अच्छा फायदा होगा, आप कम समय के लिए करते हैं तो आप इसमें मिड रेंज का बेनिफिट उठा पाएंगे। कि मान के चलिए आप 1 साल के लिए अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो यहाँ पर आपको 8 से लेकर 10% तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, रिटर्न्स यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन यही जो ड्यूरेशन है आपकी 10 साल होती है या 20 साल होती है तो यहाँ पर 15-16% यहाँ तक कि 18% तक के भी आपके जो म्यूचुअल फंड रिटर्न्स हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं। अब बात करें रिस्क की, तो दोस्तों अगर आप डायरेक्टली कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर वो जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर आपको जानकारी नहीं है उस फील्ड की या उस इन्वेस्टमेंट का जो एरिया है उसकी अगर आपको जानकारी नहीं है, आपको है लेकिन पूरी जानकारी अगर आपको नहीं है तो वहाँ पर जो रिस्क रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। क्योंकि आप थोड़ी सी जानकारी के बिहाव पर अपना लाखों रुपया या फिर हज़ारों रुपया इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकते। ऐसे में जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में देते हैं वहाँ पर रिस्क इसलिए कम हो जाता है कि जो उसको इन्वेस्ट कर रहा है उसको अच्छी खासी जानकारी होती है, उसको इस चीज का एक्सपीरियंस होता है कि पैसे को किस समय में और कहां पर इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों यह है कंप्लीट कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए।